सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं हमारे घर में होगा शिव विवाह, एंड दैट्स व्हाई हमारे घर में हो रहा है शिव विवाह। आज 7 मार्च है और कल 8 मार्च है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं बाहर का देख रही थी कि और क्या क्या हो रहा है। तो अभी शुरू होने वाला है क्योंकि मम्मा पापा का इंतजार हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना आपको अपना फाइनल लुक दिखाने जा रही हूँ। देखो, मैंने ये सूट पहना था जो कि मुझ पर इतना जच रहा था कि मैं देख के हैरान थी कि मैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। मम्मा पापा का वेट हो रहा है और यहाँ पे ना शिव विवाह शुरू ही होने वाला है क्योंकि अभी पंडित जी थोड़ा सा काम वाम कर रहे हैं, उसके बाद फिर मम्मा पापा का वेट होगा एंड देन डन। अभी तो मंथली आई है तो वो थोड़ा सा तो वेट करेगी, एकदम से छोड़ना शुरू कर देगी। एंड उसके बाद का प्रोसेस आप खुद देखिएगा कि क्या क्या होता है। तो अब पंडित जी बैठ चुके हैं, अभी तो कुछ भजन चल रहे हैं, तो अब आगे का आप लोग खुद देख सकते हैं। और अभी मैं पंडित जी ने मम्मा पापा को बुलाया है कि आप ना 3 बार अपने हाथ मतलब पी लीजिए इस जल को, उसके बाद आप हाथ धो लीजिएगा। और अभी पंडित जी पान के पत्तों से कहेंगे कि आप गणेश जी का ध्यान करिए, हनुमान जी का ध्यान करिए। तो वो आप आगे का आप खुद देख सकते हैं, बाकी का प्रोसेस मम्मा पापा ने हाथ धो लिए। शंकर भगवान की जय। विष्णु मंगलम गुरु ध्वज मंगलम पुनरेकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि गजानन भूत गणात सेवितम कपित जंबु फल चार वक्षणम उमासतम शोक विनाशकारकम नमाम विघ्ने सर्पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमो नमः। बोली गणेश जी महाराज की जय। आभ्यामि स्थापयामि पूज्यामि नमो नमः, नमस्कारं नमस्करोमि। प्रातकारी भानु शशि भूषदोपदश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांति कराया भवन्तु। बोले नवग्रह देवताओं की जय। आभ्यामि स्थापयामि पूज्यामि नमो नमः, नमस्कारं नमस्करोमि। इसमें अपने परिवार के भूले बिछड़े जो प्रभु के चरणों में उनको स्थान दीजिए। प्रार्थना करें कि जिनको हम जानते हैं वो भी आए, जिनको हम नहीं जानते वो भी आए। मम्मा को माला पहनाई और इसके बाद सब लोगों ने बधाई दी। मामा पापा मम्मी पापा सबकी बधाई दी गई। आगे आप खुद देख लीजिए। महसूस कर रहे हैं आप 14 साल बाद? 13 साल बाद? बढ़िया, ऐसे पहले फील किया था? एक बार जोरदार जोड़े के लिए ताली बजाते हैं और आप यहीं पे बैठे। आइए एक सुंदर सी बधाई और उसके बाद भोलेनाथ की निक्रोसी बरात में सही भर। भोलेनाथ की तरफ से कौन कौन है? संख्या कम है, भोलेनाथ की संख्या कम है, मुझे ऐसी बात का गम है। आइए सुंदर सी बधाई।
नजर से न देखो जो लग जाएगा नजरिया लग जाएगा मम्मी जी आई पहली बधाई इनकी मम्मी की आई पहली बधाई इनकी मम्मी जी आई मम्मी की आई संग पापा की आई मम्मी की आई संग पापा की आई अगली बधाई इनकी बहना की आई अगली बधाई इनकी बहना की आई अगली बधाई इनकी बहना की आई बहना की आई बहनोई की आई बहना की आई संग बहनोई की आई ओ बहन बहनोई खुशिया बनाई माई मामा अच्छा भाई आई हमारे भैया के आपके नुकसान करवा दिया अगली बधाई इनके भैया की आई अगली बधाई इनके भैया की आई भैया की आई संग भाभी की आई भैया की आई संग भाभी की आई जितने भी भैया और भाभी हैं सभी आ जाएं ओ भैया भाभी ने ओ भैया भाभी ने खुशियां मनाई जो लग जाए ना नजरिया रे नजर से न देखो जुड़ जाए नजरिया भैया की मौसी आएंगे मौसी मौसा जी कोई नहीं हमको नहीं आइए एक बार में सब अगली बधाई सब भक्तों की आई अगली बधाई सब भक्तों की आई भक्तों की आई पड़ोसियों की आई भक्तों की आई पड़ोसियों की आई उस सब भक्तों ने उस सब पड़ोसियों ने खुशियां मनाई जो लग जाए नजरिया रे नजर से नदी को जुड़ को लग जाएगा नजरिया ने एक दूसरे की पढ़ाई करेंगे जुड़ को लग जाएगा नजरिया रे जुड़ को लग जाएगा नजरिया रे जुड़ को लग जाएगा नजरिया पूरी शंकर भगवान की आइए आप लोग खड़े हो जाओ भोलेनाथ के माता टेंपल में नेक्रोसिस होती है इसलिए को बुलाया मैं नारानी इधर आओ अब वो कुछ काम करवा रहे हैं मम्मा से तब तक म्यूजिक बज रहा है और अब हम यहाँ पे हमने थोड़े भजन गाए और यहाँ पे ना हमारी दो क्यूट सी भाभी और दीदी बैठी थी बहुत ज़्यादा क्यूट थी जो आप देख ही रहो ना कुर्ते में बैठी हैं बहुत क्यूट थी एज वेल अब आगे का आप खुद देख लीजिए आज बारात चढ़कर राजा हनुमान चंद्र के द्वार पर पहुंची आइए मैना रानी पंडित
जी ने फिर से मम्मा को बुलाया, कहा कि इधर आओ और तिलक करो, चावल डालो और उनकी थोड़ी सी आरती करो, मतलब आरती वो वाली नहीं जो शिव बाबा के लास्ट में होती है, दूसरी, मतलब घुमाओ थाली को। तो मम्मा ने वही वही सेम सेम किया। अब ना आप आगे का, फिर से आगे का खुद देख लीजिए। नगर में शोर भयो भारी, शोर भयो भारी, नगर में शोर भयो भारी। देखिए ये रस्में अभी चल रही है, पहले की है। जब दूल्हा हमारे तो माता बहन तिलक करती है, भोलेनाथ का क्यों अभी से कह रहे हो, ये पुरानी रस्में हैं जो अब चल रही है। माला डारी भोलन गोर तुम मोलन गोरे नातियन माली है रात नगर को भाग नहीं पाए एक दिन शिव की भरी भरत नगर की शोर भयो भयो भारी। जब मम्मा ने सब कुछ कर लिया, अब ना थोड़ी देर में ही डांस होगा, मैं भजन लगवाया हम सब ने और सब लोगों ने गाया, अब सबका डांस हो गया और पापा ने भी डांस किया, सारी बुआओं ने डांस किया, फिर पापा साइड में आके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, अभी तो पापा डांस कर रहे हैं, सारी बुआएँ सब लोग डांस कर रहे हैं, मम्मा भी साइड में आकर देख रही थी। एंड यहाँ पर मेरी छोटी बहन आ गई, एंड यहाँ पर सब लोगों ने बहुत अच्छे से डांस किया भजनों पर, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। अंकल यानी जीजू और चाचू और बुआ ने डांस किया बहुत सारा, अब देखे डांस कर रहे हैं, अब सब लोग जा रहे थे, डांस हो चुका था, अब हमने बहुत सारे भजन सुने यहाँ पर, हम सभी ने भजन सुने बहुत सारे। और आप लोग बताओ, आपको भाभी और दीदी बहुत स्वीट लगी ना। Thank you.
ठाकुरा संग में है आला ठाकुरा संग में है आला कि नच भोला कि नच भोला कि नच भोला अरे 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 अद्भुत कला दिखाए कर के नटराज सदा शिव अद्भुत कला दिखाए सजे हाथ में ताल के साल मिलाए सजे हाथ में ताल के साल बजाए नच भोला कि नच भोला कि नच भोला हरे 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 और अभी कुछ ही देर में हमारे जब भजन चला थे तो हमारी क्यूट सी और स्वीट सी दीदी और भाभी को उठाया के डांस करने के लिए भजनों पर, उन्हें भी बहुत ज़्यादा भजन पसंद है और मैंने भी उठाया कि चलो डांस करते, फिर मैंने भी उनके संग बहुत सारा डांस किया। बाकी का आप खुद देख लीजिए। भगवंडल से देव देवता जग फूल बरसाए भगवंडल से देव देवता जग फूल बरसाए नच भोला हरे 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 नच भोला हरे हरे भोला हरे मैंने आपसे बोला था कि मैंने भाभी और दीदी के संग भजन सुने, हमने सुने हैं। अब आपसे मैं बोलती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।